नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट पे और मैं हूं नैतिक राज। बड़ी खबर है और बड़ी खबर है फिर से फिल्मी दुनिया से, क्योंकि एक बार फिर से किसी ने अपनी जान गंवा दी। बंद कमरे में लाश मिली। जी हाँ, कोरियोग्राफर और प्रोड्यूसर रेमो डिसूजा के साले जिनकी मौत हो गई, उनका शव जो है उनके ही घर में मिला। सूत्रों ने यह भी बताया है कि कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए उनके बॉडी को लेकर आया गया है, जहां पर कुछ पुलिसिया जो कार्रवाई होती है उन्हें करने के बाद से उनको अब अंतिम संस्कार के लिए भेजा है। वहीं रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल गोवा में एक शादी समारोह में वो शिरकत करने के लिए गए हैं, जहां से रेमो डिसूजा की पत्नी ने एक पोस्ट लिखा और पोस्ट में लिखा है कि क्यों मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। वहीं रेमो डिसूजा की सास ने इस पोस्ट में लिखा है कि मैं फेल हूं। तो यही पता चला है कि किन कारणों से उन्होंने इस कदम को उठाया, ये अभी साफ नहीं, क्योंकि साफ तब होगा जब पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। बताया जाता है कि रेमो डिसूजा के साथ वो जो तमाम जो आने वाले इवेंट्स होते थे, वो तमाम जो प्रोजेक्ट होते थे, उनमें बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर इनके साले काम करते थे। आपको बता दें, लाश उनके मिल्लत नगर वाले घर में मिला है, जिस इनकी मौत के बाद से पूरा परिवार सदमे में। तो ये थी अभी तक की अपडेट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।